बोर होने लगे तो बोले कवि जी कोई कविता बबीता सुनाइए। तो जैसे ही उन्होंने कविता के साथ बबीता जोड़ा, मैं समझ गया कविता में कितना जानते होंगे। मैंने कहा सेठ जी आप व्यापारी आदमी, आपका कविता से क्या लेना देना। तो जिद करने लगे तो मैंने ट्रक से चुराया हुआ एक शेर उन्हें सुना दिया कि हमें तो अपनों ने लूटा गैरों में कहाँ दम था, मेरी कश्ती वहाँ डूबी जहाँ पानी बहुत कम था। तो वो रोने लग गई। मैंने कहा शायद ज़्यादा चोट खाए हुए हैं, हो सकता है GST के पिटे पिटाए हों। GST 2-3 घंटे की नींद उन्होंने निकाली, 2-3 घंटे की मैंने निकाली। अचानक कंधा झकझोर के उन्होंने मुझे उठाया, बोले कवि जी ये बताओ बाद में वो कश्ती निकली या नहीं निकली। तो कविताएं ऐसे भी सुनी जाती हैं। अच्छा भैया, लेकिन आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। गीत गज़ल से मेरा कोई दूर दूर तक नाता है नहीं। गज़ल का क्या है, गज़ल सुनने के बाद ऐसा लगता है जैसे अपनी 10-15 प्रेमिकाएं थीं और छोड़ के चली गई। सच बता रहा हूं त्यागी जी, पिछले दिनों मैं जगजीत सिंह साहब की गज़ल सुन रहा था, अचानक मुझे लगा कि मेरी प्रेमिका मुझे छोड़ के चली गई, तो मैं भावुक हो गया, 1 घंटे तक रोया। बाद में याद आया कि यार अपने तो कोई प्रेमिका थी ही नहीं। बहुत अच्छा। तो 2 घंटे रोया। फिर याद आया कि यार अपन तो शादीशुदा है, तो पूरी रात रोया। डॉक्टर कुमार विश्वास मेरे मित्रवत बड़े भाई हैं, हम और डॉक्टर कुमार विश्वास इकट्ठे जवान हुए। ऐसा नहीं ये जवान हो गए और मैं इकट्ठा। प्रेम प्यार की कविताएं मैं भी लिखना चाहता था, इन्होंने कहा कुछ ढंग का लिखा करो, लेकिन हो सकता है इनको दिखी और प्रेमिकाएं की नीली नीली आंखें, तो वैसा लिख दिया। मुझे तो उसके बाप की लाल पीली पहले ही दिख गई थी। मेरा मानना ये प्रेम प्यार की कविताओं से बहुत ज़्यादा प्रभावित होने की ज़रूरत नहीं है, ये कॉलेज टाइम में जो कुछ हरकतें की गई होती हैं उसका काव्य अनुवाद है। हाँ, कॉलेज तो मैं भी जाता था लेकिन मैं पढ़ने जाता था। प्रयास मैंने भी कि कोई प्रेमिका हो, लेकिन ऐसा नहीं जैसा ये बताते हैं कि परिणाम सब ठीक ठाक ही निकलते हैं, परिणाम कभी दूसरी तरह के भी निकलते हैं। मैं बहुत सीधा सरल लिखता हूँ, ऐसा नहीं बहुत से कवि आते हैं बहुत कठिन कठिन शब्दों का प्रयोग करते हैं और चिल्ला के सुना देते हैं, आप डर के मारे ताली बजाते हो। मैंने भी प्रयास किए, परिणाम क्या निकले थोड़ा आनंद लीजिएगा। अखियां लड़ गई, वाह नहीं परिणाम सुनो। अखियां लड़ गई, एक पल्ले पड़ गई, बात बढ़ गई, दिमाग को चढ़ गई, मेरी जिंदगी में एक कहानी और गढ़ गई, इजहार किया तो 3-4 जड़ गई, महीनों की आशिकी मिनटों में झड़ गई। बहुत अच्छे। ये आप देखो पीछे पिटने पर बधाई दे रहे हैं, ये प्रेम है इन लोगों का। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत समय बाद मैं पहले भी यहाँ आया हूँ, कोरोना काल से पहले। क्या बुरा समय निकल के गया साहब, कोरोना काल, 2-2 लॉकडाउन हमने झेले, ऐसा समय कभी दोबारा नहीं आए। कितना बुरा समय था, पहला लॉकडाउन याद कीजिए, कितना डरे हुए थे, सर्फ के पैकेट को सर्फ से धो रहे थे, क्या बात है, अपनी ही पत्नी के साथ घर में बंद थे, इससे बड़ी पीड़ा नहीं हो सकती, उसी की शक्ल देखनी पड़ रही थी, ब्यूटी पार्लर तक बंद थे। बाद में सरकार को थोड़ी दया आई तो उसने शराब की दुकानें खुलवा दी, जिसे पी करके चुड़ैल भी सुंदर दिखाई देती है। अद्भुती दृश्य थे साहब। भैया दो ही तरह के लोग इस समय सेवा कर रहे थे, डॉक्टर और पुलिस। पुलिस बाहर डंडे लेके काम कर रही थी अपना, डॉक्टर वैक्सीन लगा रहे थे। डॉक्टर पूछ भी लेते थे कि पिछली बार किधर लगी थी, पुलिस नहीं पूछ रही थी। ऐसी स्थिति में मेरी पत्नी, सच्ची घटना है, कोई जोक नहीं है, ऐसी स्थिति में मेरी पत्नी मुझसे बोली, सुनो जी मेरी सहेली के घर से एक लिपस्टिक ले आओ। मैंने कहा तेरे जरा से होठ लाल करने के चक्कर में पुलिस मेरा क्या क्या लाल करेगी, मैं ज्यादा समय लेना नहीं चाहता, मैं जिस तरह की कविताएं लिखता हूँ 1-2 व्यंग छणिकाओं से आपको जोड़ना चाहता हूँ। देश में, और देश में क्या पूरे विश्व में, एक बड़ी समस्या है रोजगार की, उसको रेखांकित करना चाहता हूँ, व्यंग का विद्यार्थी हूँ, बात आप तक पहुँच जाए तो आपका प्यार चाहूँगा। स्वागत है। सेना की भर्ती की लाइन में खड़े एक बूढ़े को देखकर, सेना की भर्ती की लाइन में खड़े एक बूढ़े को देखकर ऑफिसर गरमाया, उसने बूढ़े से कुछ इस तरह फरमाया, बुढ़े शमशान प्रतीक्षा कर रहा है,
और तू सेना में भर्ती हो रहा है, क्या दिमाग में कीड़े पड़े हैं? तो बूढ़े का जवाब था, नंबर आते आते बूढ़े हुए तो हम क्या करें, लाइन में तो जवानी से खड़े हैं। बहुत अच्छे भैया। पावर ग्रिड परिवार को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने हिंदी के प्रोत्साहन के लिए कवि सम्मेलन कराया। डॉक्टर कुमार विश्वास जितना बजट सब बता ही रहे हैं, जितना लेते हैं उसमें कुछ भी करा सकते थे, रॉक पॉक तमाम तरह की चीज़ें हैं। कहीं ना कहीं आप संस्कारों को जिंदा रखे हुए हैं, भारतीय संस्कृति को जिंदा रखे हुए हैं। भारतीय संस्कृति पर पाश्चात्य संस्कृति जो प्रहार कर रही है उसको रेखांकित करते हुए मैंने गीत लिखा है। उसकी भूमिका मैं बताना चाहता हूँ कि एक संस्कारवान किसान का बेटा पढ़ने के लिए विदेश चला गया और वहाँ उसका प्रेम एक मॉडर्न लड़की से हो गया जो पूरी तरह पाश्चात्य रंग में रची बसी थी और रची बसी क्या थी, लिपिपुती थी। कुछ दिनों बाद उसे लगा कि इसके साथ मेरा निर्वहन नहीं हो सकता, इसके साथ नहीं निभ सकती, तो उसने उसे पत्र लिखा कि मैं तुम्हें प्यार नहीं दे पाऊंगा। और क्यों नहीं दे पाऊंगा, सारे तर्क उसने उसमें लिखे, वो आप तक पहुंचाना चाहता हूं। एक बार तालियां बजा करके मां भैया स्वागत है। जो उसने लिखा, वो कंप्यूटर युग की छोरी, वो कंप्यूटर युग की छोरी, मन की काली तन की गोरी, किंच तो अपनी बाहों का गलहार नहीं दे पाऊंगा, करना मुझको माफ, मैं तुमको प्यार नहीं दे पाऊंगा, यो कंप्यूटर युग की छोरी। हाँ, ताली वाली बजाते रहिए, कोई आसाराम बापू की कथा नहीं हो रही है। हाँ, आनंद लीजिएगा। क्यों नहीं दे पाऊंगा, तर्क सुनिए कि तुम फैशन टीवी सी लगती, मैं संस्कार का चैनल हूँ, तुम फैशन टीवी सी लगती, मैं संस्कार का चैनल हूँ, तुम मिनरल वाटर की बोतल, मैं गंगा का पावन जल हूँ, तुम करो गाड़ियों की मांगे, मैं पाँव पाँव चलने वाला, तुम हेलो जंसी जलती हो, मैं दीपक सा जलने वाला, तो चमक दमक वाला, तुमको संसार नहीं दे पाऊंगा, करना मुझको माफ, मैं तुमको प्यार नहीं दे पाऊंगा, यो कंप्यूटर युग की छोरी। लड़की मॉडल है, मॉडलिंग करती है कि तुम रैंप पे देह दिखाती हो, मैं संस्कार को जीता हूँ, तुम रैंप पे देह दिखाती हो, मैं संस्कार को जीता हूँ, जब तुम्हें देख सीटी बजती, मैं घूंट लहू का पीता हूँ, तुम सदा स्वप्न में जीती हो, तुम सदा स्वप्न में जीती हो, मैं हूँ यथार्थ जीने वाला, तुम जाम टकीला पीती हो, मैं हूँ मट्ठा पीने वाला। क्या बात है, वाह वाह। तो फास्ट फूड भी मैं तुमको हर बार नहीं दे पाऊंगा, करना मुझको माफ, मैं तुमको प्यार नहीं दे पाऊंगा, यो कंप्यूटर युग की छोरी। और तर्क सुनिएगा कि तुम क्लॉक अलार्म से न जगो, मैं कॉक बांग से जगता हूँ, तुम क्लॉक अलार्म से न जगो, मैं कॉक बांग से जगता हूँ, तुम डिस्को की धुन पर नाचो, मैं राम नाम ही जपता हूँ, तुम डैडी को अब डैड कहो, अंग्रेजी की भी अंग्रेजी, तुम डैडी को अब डैड कहो, मम्मी को मॉम बताती हो, तुम करवा चौथ भूल बैठी, डे वैलेंटाइन मनाती हो, तो तुम्हें तुम्हारे सपनों का त्योहार नहीं दे पाऊंगा, करना मुझको माफ, मैं तुमको प्यार नहीं दे पाऊंगा, यो कंप्यूटर यो की छोरी। तुम पॉप म्यूजिक सी बजती, मैं बंसी की धुन का धुनिया, तुम पॉप म्यूजिक सी बजती, मैं बंसी की धुन का दुनिया, मुझ पर डॉट फोन भी ना, तुम पर इंटरनेट ही दुनिया, तुम मोबाइल के मैसेज सी, मैं पोस्ट कार्ड लिखने वाला, तुम टेडी बियर सी लगती, मैं गुब्बारा उड़ने वाला, तो भौतिकवादी सुख साधन संचार नहीं दे पाऊंगा, करना मुझको माफ, मैं तुमको प्यार नहीं दे पाऊंगा, यो कंप्यूटर युग की छोरी। अंतिम मंद पढ़ता हूँ, इसमें कुछ प्रतीक राजनीति से हैं, कवियों का साहित्यकारों का किसी भी राजनीतिक दल से कोई लेना देना होता नहीं है, मस्ती में लिखा है, मस्ती में सुन लीजिए। और मैं तो उत्तर प्रदेश से आता हूँ, हमारे यहाँ तो नेता बड़े कमाल कमाल के हुए। मुलायम सिंह जी ने एक बार बयान दिया था, काफ़ी चर्चा में रहा था, कि लड़कों से गलती हो ही जाती है। बाद में नारायण दत्त तिवारी जी ने माथा कूट लिया, बोला गलती से लड़के हो जाते हैं। उन विसंगतियों में आनंद लीजिएगा और इसमें जो अंतिम नाम आए उन्हें प्रणाम कर लीजिएगा, क्योंकि वो हमारे कुनबे से भी थे, कि मैं धरती पुत्र मुलायम सा, तुम हो कठोर माया जैसी, मैं धरती पुत्र मुलायम सा, तुम हो कठोर माया जैसी, मैं सिंह गर्ज ना वाला हूँ, तुम हथनी की काया जैसी, तुम सब कुछ अपना हार चुकी, तुम सब कुछ अपना हार चुकी, मैं जीता हुआ जुआरी हूँ,
तुम इटली की रानी जैसी, मैं देसी अटल बिहारी हूँ। क्या बात है। तो तुमको अपने जीवन की सरकार नहीं दे पाऊंगा, करना मुझको माफ, मैं तुमको प्यार नहीं दे पाऊंगा। बहुत बहुत।